मुकाबला अब तो एक तरफा है कांग्रेस का, अगर बैरागी को टिकट नहीं देते ना फिर बराबर की टक्कर थी, अब एक तरफा कांग्रेस है विनेश फोगाट। पिछले 10 साल रहे खट्टर सरकार के, सैनी सरकार के, उसे कैसे देखते हैं? खट्टर सरकार ने कुछ नहीं किया 10 साल में, इस हल्का का तो कोई वो कुछ काम किया ही नहीं। इस हल्के के बड़े मुद्दे क्या हैं? इस हल्के के मुद्दे ये है भी, एक तो यहाँ पे रोड और पानी ये समस्या ज्यादा रहती है, बेरोजगारी मतलब काम होते ही नहीं यहाँ पे, हल्का छोटा मतलब इसके उससे। माहौल का तो जी जैसे टिकट योगेश फोगाट की उसकी योगेश की कल ही क्लियर हुई है, तो कल ख्याल में लास्ट डे है फॉर्म भरने का, तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी पोजीशन थोड़ी बहुत, जब भी पता लगेगा। माहौल का भी तो कुछ नहीं कह सकते। जुलाना में से पहले जेजेपी के अमरजीत जीते हुए थे, हाँ जी हाँ जी, उनका काम कैसे रहा? उनका काम ठीक ठाक ही रहा, को बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते, ठीक ठाक। सहयोगी दल में भी रहे वो बहुत, हाँ, विकास के नाम पे कुछ ज़्यादा सा काम हुआ नहीं। क्या है सर जुलाना के जो बड़े मुद्दे आप चाहते हैं कि आने वाली जो भी सरकार है उस पर काम करें? बड़े मुद्दे तो मेन तो जो पीने का पानी है, वो 5 साल से बिल्कुल गंद सीवर का पानी पी रहे हैं लोग, खूब कह चुके विधायक से भी, कह चुके डीसी एसडीएम से भी, शिकायत कर चुके, कभी कोई सुधार नहीं हुआ। रोडों को अदाल देख ही रहे हो आप जैसा है, मेन समस्या पीने का पानी, सीवर का पानी पी रहे हैं सारी सारा पूरा जुलाना, सीवर का पानी आ रहा है बिल्कुल, कोई सुधार नहीं है। दस्तर खट्टर सरकार के कैसे रहे? खट्टर और सैनी सरकार के आप कैसे देखते हैं? तो जो ये पोर्टल में उलझा के रख दिया सारा देश, मैं पर्सनली दुखी था, मेरी प्रॉपर्टी आईडी 1 साल से प्रॉपर्टी आईडी अटकी हुई थी मेरी पर्सनल खुद की, सारे कागज़ कंप्लीट है, मेरी प्रॉपर्टी आईडी 1 साल से बन के नहीं थी, मैंने चंडीगढ़ तक शिकायत कर चुका था जो प्रॉपर्टी आईडी बना रहा पीपीपी, हाँ, तो परेशानियां तो खूब हैं। एक तो जी मेन पानी का मुद्दा है, शिवरेज का पानी आ रहा है, नल चलाते हैं तो बदबू आती है पूरी, इतनी शिकायत कर चुके हैं, जा चुके हैं, सब कुछ हो गया, सबमर्सिबल है तो ठीक है वो पी लो पानी, कोई सफाई नहीं है गलियों में, कब 1 साल हो गया हमारी गली में कोई झाड़ू वाला नहीं आता। आप खुद महिला हैं और आपके कांग्रेस ने एक महिला को उतारा है जो रेसलर भी रही है, हाँ जी हाँ जी, महिला सुरक्षा के इशू से ही वो, हाँ जी हाँ जी, राजनीति में आई वहाँ से, हाँ, कैसे देख रही आप? अभी तो देखते हैं जी कल ही क्लियर हो पाएगा, अभी तो चल ही रहा है नामांकन कौन कौन भरता है, उसके बाद ही क्लियर होगा। फाइट कैसे लग रही है आपके यहाँ बीजेपी और कांग्रेस? अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी, ये तो जेंट्स ही बताते हैं। यहाँ पर जो देखा जा रहा है मुकाबला, एक तरफ तो विनेश फोगाट है, दूसरे योगेश बैरागी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, तो यहाँ पर क्या है फाइट, क्या हालात है विधानसभा? भाई साहब पहली तो विनेश फोगाट ही है पहला नंबर तो, और बड़े मुद्दे क्या हैं सर? यहाँ देखा गया जेजीपी के एमएलए जीते हुए थे जो पहले, अमरजीत राणा ने काम बहुत ज़्यादा किए हैं भाई, काम बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन वो दुष्यंत के कारण वोट नहीं दे रहे हूँ, काम बहुत ज़्यादा किए हैं अमरजीत राणा। का कारण क्या है जेजीपी से? अमरजीत राणा से कोई नाराजगी नहीं भाई किसी की, बीजेपी से बस, वो बीजेपी से नाराजगी लोगों की। बीजेपी के पिछले 10 साल कैसे आप देखेंगे? खट्टर सरकार के बहुत ही बुरे रहे हैं भाई, सैनी सरकार के क्या क्या परेशानियाँ हैं लोगों को? सबसे बड़ी परेशानी जमींदारों को, किसान को हुई भाई, किसान को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई भाई, एक जमींदार बहुत ज़्यादा परेशान है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारा पशु पीने का पानी और कोई लगभग सारी परेशानी है, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी कुल मिला। अभी क्या है जी पत्रकार महोदय जी, आज जो विनेश है, विनेश एक इंडिया लेवल का चेहरा है, और जो बैरागी साहब आए हुए नए आए हैं, नए तो यहाँ जुलाने के अंदर भी तो बहुत तगड़े तगड़े जो खुवाहत करे हैं, और जो उसके अंदर आस लगाए बैठे थे, देखो जीत हार तो बाद में हुए, पहले तो जुलाना हल्का में टिकट देनी चाहिए थी बीजेपी ने, तो ये बाहर का जो है वो तो उससे तो और भी डोन गया है। अरे जो विनेश फोगाट है ये एक खिलाड़ी के साथ साथ इन्हें संघर्ष भी किया है, विदेशों में नाम भी कमाया है, और इन्हें अन्याय के उसमें लड़ाई भी लड़ी है, इस पर सभी नाम दर्दी है, तो ये बच्चे हैं, ये बच्चे भी नहीं गए दीदी के पास जाएंगे, कल भी गए थे, तो जब एक बच्चा बच्चा की जुबान पर
दिनेश का नाम है, तो ये तो एक बड़ा बहुत बड़ा चेहरा है अपना भारत के लिए भी है। जुलाने के मुद्दे तो जी सारे जी है, या तो पानी भी गंदा आवे है जी, या पार्कों का हाल जाके देखो पार्कों का हाल बुरा है जी, और सड़कों का हाल आपने बेरा है देख लो आप ही, आपका आगे है क्या बताएंगे। और यहाँ कोई ऐसी खास बात नहीं है जो कि किसी सरकार ने करी है। 10 साल रहे अंकल जी, जननायक जनता पार्टी का एमएलए था आपकी इधर सरकार में, 9 साल आपकी जगह 4 साल सरकार में रहे, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, तो क्या आपको लगता है ऐसे काम जो होने चाहिए थे और नहीं हुए, मतलब हरियाणा में, हरियाणा में यहाँ जी 4.5 साल ये रहे हैं, क्यों छह भी नेपाल था इनकी इनका गठबंधन ने टूट लिया, तो इनने कोई काम कराने की बजाय सभी ने बेरा है, ना किसी की सुननी ना, और ये सिर्फ एक किसका चेहरा लेके चल रहे हैं आज भी, देवीलाल का, देवीलाल के पोते हैं, देवीलाल के हुए हैं, देवीलाल तो एक देवीलाल दे था जी, सबकी इज्जत करा था, चाहे छोटा हो बड़ा को रहे जी, तो आज उसका भी वजूद खत्म इनने कर दिया। चाहे कहीं भी इन जैसे किसान आंदोलन था और लोगों की डिमांडें थी, किसान आंदोलन में 750 किसान मजदूर शहीद हुए और 13 महीने किसान सड़क पर रहे, तो उस टाइम तो इनके कोई याद नहीं आए जी, बेटी बताओ बेटी पढ़ाओ बेटी का हाल आपने बेरा है क्या करे जी, जब बुरज बोन ला लेता या संदीप पहलवान ने लगा ले, कितने ऐसे चेहरे हैं आपके पास, आपसे तो कोई छुपी हुई तो कोई नहीं, अरे छुपी हुई तो बता दो जी, आपने तो एक रग रग का पता है, सिर्फ आपने तो न्यू है कि दूसरा बोला है थोड़ी सी याद चला लो, नहीं आपने किस चीज़ का नहीं बेरा जी, आज आपने इतना भी बेरा भाई किसकी पोजीशन है के क्यों है, तो यह है जी, तो यह है प्रधान जी, तो आज जो आप पत्रकारों का भी सहयोग है, इस सरकार ने पत्रकार भी पीटे हैं, मजदूर भी पीटे हैं, कर्मचारी भी पीटे हैं, और ये जितने बैठे हैं सुनारा तक का भी टैक्स लाया, कौन इसने बगैर पीटे कौन छोड़ रखा जी, संसद भी पीटे, और संसद में नहीं बढ़ी भाई। जुलाना में तो एक तरफा विनेश फोगाट है, एक तरफा कम से कम 50,000 वोट होगी, कम से कम, इससे ऊपर तो भगवान और विनेश जाने, नहीं तो 50,000 वोट कम से कम आज लिख के दे रहा हूँ, विनेश एक तरफा है। और बड़े मुद्दे क्या हैं सर जुलाना शहर के? भाई मेन मुद्दे तो सड़क ले लो, मेन बाजार है हमारा, आप एक बार अपनी गाड़ी से चल के जाना यहाँ से, हर 100 मीटर पे गड्ढे, बुरा हाल, यहाँ पे ना कोई सफाई कर्मचारी वाला दिन में आता नहीं शाम को आता, बुरा हाल है, बेरोजगारी सबसे ऊपर है यहाँ पे, पानी की निकासी की बहुत बुरी व्यवस्था है यहाँ पे, मतलब है जो मूलभूत सुविधाएं वो मिल नहीं पा रही, रीजन इसका एक ही है, हर बार अपोजिट एमएलए बनता है यहाँ, जिसकी सरकार होती है ना उसके अपोजिट एमएलए यहाँ पे, आखिरी बार तो जेजेपी था जो सहयोगी दल था सरकार, है तो नहीं ना भाई, वो बंदा यहाँ से 35 किलोमीटर दूर गाँव उसका, कभी जुलाना की तरफ देखा ही नहीं उस बंदे ने भी, यहाँ की आवश्यकता क्या है, क्या यहाँ बंदों को चाहिए, मेन बाजार का ये तो, मतलब जुलाना की मेन सड़क एक ही है ये बाजार, यहाँ आप ज्यादा नहीं आधा किलोमीटर का टुकड़ा है ये, यहाँ से घूम के जाओ, बुरा हाल है इस सड़क पे, बारिश के टाइम पे यहाँ यहाँ तक पानी चला जाता है यहाँ पे, एक बारिश हो जाए ना छोटी ही उसमें यहाँ तक पानी, क्या फायदा इस बाहर के बंदे का। ओ भाई ए ताऊ ठीक हो चला गया हरियाणा ते, ओ खट्टर खटारा बना गया यार, होगी शक्ल भी है ताऊ, आइए भी ना आ जोड़ू ताऊ खट्टर, बस वो ताऊ का तो बुरा हाल है, उस ताऊ का तो नाम ना लो भाई, उन्हें तो ऐसा हाल कर दिया, वो तो को उसका सम्मान भी करे ना, एक पंडित जी थे पिछली बार इलेक्शन में उसका सम्मान करे थे, उसको एक वो पहरा रहे थे मुकुटे, भले तेरी गर्दन काट दूंगा तेरी गर्दन परसे से, वो ताऊ जी तो ऐसे दे, भगवान उसको लंबी उम्र दे पर हरियाणा में ना दे, बारी ठीक है वो तो।